उसको भी इन्फॉर्म किया है, मिस्टर कंवर ढिल्लन को भी इन्फॉर्म किया है, क्योंकि उसके बाद उनकी माताजी और संजीव कौशल जी चले गए चंडीगढ़, और वो कंवर ढिल्लन के साथ रहने लगी 3 महीने तक। तो संजीव कौशल जी और उनकी माताजी का क्या रिलेशन है, संजीव कौशल जी और उनकी माताजी तुनिशा को किस तरह से ऑपरेट करते थे, डोमिनेट करते थे, रूल करते थे, हस्तक्षेप करते थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है, इन सब चीज़ों से तुनिशा काफ़ी डिस्टर्ब थी। 2016 में जब तुनिशा की कज़िन सिस्टर का देहांत हुआ, वो पूरी तरह से टूट गई, और टूटने के बाद उसका मानसिक जो भी था वो ट्रीटमेंट किया नहीं किया, पुलिस अपनी जांच कर रही है, चंडीगढ़ में उनका ट्रीटमेंट चला है। 2016 के बाद चंडीगढ़ में कोई एक ऐसा हादसा हो गया कि संजीव कौशल जी ने उनकी माताजी और तुनिशा को देर रात घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वो लोग आए हैं मुंबई, और यहाँ आने के बाद पवन शर्मा ने एज अ मैनेजर तुनिशा के लिए कुछ काम लाए, उससे ज़्यादा पवन शर्मा का तुनिशा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और कुछ ही दिनों में तुनिशा ने उनको निकाल भी दिया। शी वॉज अनहैप्पी विथ हिज इंटरफियरेंस। उनके सगे मामा जो फ्यूनरल में आए थे, उन्होंने आज तक मीडिया के सामने एक बाइट नहीं दिया है, बट सो कॉल्ड मामा ने पूरे मसले को कहां से कहां लेके चले गए हैं, सारे आरोप जो भी लगे हैं, किसने लगाए कैसे लगाए, सारे के सारे आपके मीडिया के सामने है। अब आप लोगों में से जिसको जो बोलना है बाद में, पहले इन लोगों को अपना पक्ष रख लेने दीजिए, जहाँ तक हिजाब वाली बात है, जहाँ तक दरगाह वाली बात है, जहाँ तक उर्दू वाली बात है। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूँ फलकनाश। मैं हूँ फलकनाज़, और तुनिशा से मेरा बहन का रिश्ता था, भले ही खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन एक एहसास था, एक बॉन्ड था जो हमने बहुत अच्छे से शेयर किया है। मैं उससे मिली थी इनके शूट पे, जब हम लोग लद्दाख गए थे, मैं पहली बार उससे मिली थी एयरपोर्ट पे, तब से लेके अब तक मेरा उससे बड़ी बहन का रिश्ता था। उसको तकलीफ में हम नहीं देख सकते थे किसी भी कीमत पर, उसमें चाहे शिजान हूँ, चाहे मैं हूँ, या मेरी मदर हूँ। हिजाब, दरगाह, ये कहीं से कहीं तक उठता ही नहीं सवाल, क्योंकि हम जो भी अपना रिलीजन मानते हैं वो हमारी पर्सनल चीज़ है, हमारी पर्सनल स्पेस में होता है, हम उसके लिए यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते, ना हमारा राइट है किसी को फोर्स करना, ना ही हम पब्लिक में दिखाते हैं, ना ही हम पब्लिक में दिखाते हैं सबके सामने। आप लोग हमें सालों से जानते हैं, हमारी पूरी लाइफ आप लोगों के सामने खुली किताब की तरह है। अब बात आती है कि उसको हमने फोर्स किया, या उसका वो जो हिजाब लेने वाला फ़ोटो जो सर्कुलेट हो रहा है वो शो का फ़ोटो है, शो की शूट का फ़ोटो है। उर्दू सिखाना, हम जब मायथो करते हैं, इसने मायथो किया है, मैंने मायथो किया है, हम भी तो हिंदी बोलते ही है ना, शुद्ध हिंदी। हम जब 12-13 घंटे एक कैरेक्टर में शो में रहते हैं, एक आउटफिट में रहते हैं, हम 25-30 दिन हम शूट करते हैं, तो वो बहुत नेचुरली हो जाता है कि हम वो लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। और किसी लैंग्वेज का रिलीजन से क्या लेना देना है, हम इंडिया में रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, तो लैंग्वेज बोलना, रिलीजन एक्सेप्ट कर लेना या कन्वर्ट हो जाना प्रूफ नहीं करता है। फर्स्टली दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग अजम्पशन। और रही बात हिजाब, वो शैलेंद्र जी क्लियर कर चुके हैं, रिलीजन बहुत पर्सनल होता है और हम किसी को कभी फोर्स नहीं कर सकते हैं, ना ही करेंगे, और हम जो भी करते हैं वो हम अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं, हम सब चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं डालते हैं। करेक्ट, करेक्ट। और आप लोग कहाँ रिलीजन पे अटके हुए हैं, यहाँ पे मेंटल हेल्थ का सवाल है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी,
जिस दिन फलक उनको उनकी माँ ने वनिता शर्मा जी आपकी रिस्पेक्ट में आपको बोलना चाहती हूँ, आपने तो बहुत बदतमीजी की है, लेकिन हम अपनी डिग्निटी हमें मालूम है कि हमें कहाँ कैसे मेंटेन करनी है। आपने बोला कि फलकनाथ उसको दरगाह पे लेकर गई, तो उस आपकी बेटी आपसे सब कुछ शेयर करती थी, तो आपको ये नहीं पता कि दरगाह पे वो किस दिन गई है, कहाँ पे गई है? आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे उसने कहाँ फ़ोटो अपलोड की है, किस दरगाह पे वो एक्चुअली गई है और कितने बजे गई है, किस डेट में गई है? तो आप प्रूफ भी तो लेकर आइए ना। आप कुछ भी, मतलब कुछ भी आप बोल रही हैं। आपने एक चीज़ बोली कि आपकी बेटी को शिजान ने थप्पड़ मारा। आप में से बच्चे होंगे, किसी के बच्चे हैं आपके, किसी के सबके होंगे? आपको अगर आपका बच्चा आके बोलता है कि मुझे थप्पड़ मारा गया है और सेट पे मारा है या मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? आप लोग इंतज़ार करेंगे? आप लोग सिर्फ फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन करेंगे? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? हमारे बच्चे को थप्पड़ मार दिए और मैं बैठी हुई हूँ, मैं एज ए माँ होने के नाते बात कर रही हूँ, आप फादर हैं तो मैं क्या करूँगी? मैं बैठी रहूँगी, बस मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ। मेरे घर पे उनका आना जाना था, मेरे घर पे आती थी वो, मुझे फ़ोन करके कह सकती थी, मेरे घर पे डायरेक्ट आ सकती थी वो आती थी मेरे घर के ऊपर, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, अच्छे से खाती थी, पीती थी, बात करती थी, रहती थी, सब कुछ था उनका। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने इंतज़ार क्यों किया? वो मेरे घर पे क्यों नहीं आई? उन्होंने शिजान को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? उन्होंने मुझसे क्यों नहीं कहा? वो इंतज़ार कर रही थी कि टुनिशा कुछ ऐसा स्टेप उठाए, वो ये चाहती थी। और एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उनकी इकलौती बच्ची गई है, इकलौती बच्ची, मतलब मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी बच्चे हैं, लेकिन किसी की इकलौती बच्ची हो या किसी के तीन बच्चे हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती। माँ बाप के लिए हर बच्चा मैटर करता है। किसी बच्चे ने सुसाइड किया है और कल की डेट में उनका वकील पावर ऑफ अटर्नी ले रहा था, वो पावर ऑफ अटर्नी किसी को दे के जा रही है, आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, आपकी औलाद चली गई है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। आपकी लाइफ का भी एक मकसद होना चाहिए कि आपकी बच्ची ने ऐसा क्यों किया है, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। और वो पावर ऑफ अटर्नी उस बच्ची के केस की वो दे के जा रही हैं और वो चली गई हैं, वो ये कैसे कोई माँ कर सकती है? आप कर सकते हैं ये, जब तक कि उसको जस्टिस ना मिले। टुनिशा फॉर जस्टिस, एग्जैक्टली हम भी चाहते हैं। मेरी बच्ची थी वो, मेरी बच्ची थी। हम लोगों के लिए, हमारी फैमिली के लिए सफ़र कितना मुश्किल हो रहा है ये हमें पता है, हमारे ऊपर वाले को पता है कि एक तरफ वो बच्ची जो हमारे बहुत क्लोज थी, बहुत क्लोज थी, मेरे घर की वो सबसे छोटी बच्ची थी, वो भले ही 20 साल की थी लेकिन मेरे लिए वो 10 साल की बच्ची थी। वो एक तरफ वो बच्ची जो चली गई है, और दूसरी तरफ मेरा बच्चा जो इनोसेंट है, जिसने कुछ नहीं किया, उसको भेजने की तैयारी में उसकी माँ मेरे बच्चे पे एलिगेशन लगा रही है। क्या चाहती हो आप वनिता जी? आप क्या चाहती हो? एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया और दूसरी माँ का बच्चा भी सुसाइड कर ले आपके टॉर्चर करके, आपके प्रेशर में आके। जो पिक्चर सर्कुलेट हो रही थी, जिसको बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है, तो मैं एक लॉजिक आपको देती हूँ। जब हम सेट पे होते हैं और कोई आउटफिट होता है, स्पेशली जब हम मायथो कर रहे होते हैं, तो हम पूरा दिन उसी गेटअप में रहते हैं, क्योंकि हमें रेडी होने के लिए बहुत टाइम लगता है। कपड़ों को चेंज करके वापस से निकालें फिर शॉट में जाएं, ऐसा नहीं होता है। वो जो पिक्चर सर्कुलेट हो रही है वो ये पिक्चर है, जो कि आप देख सकते हो, टुनिशा की प्रोफाइल से पोस्ट की गई है, ये इधर, ये वो पिक्चर है जो टुनिशा की प्रोफाइल से पोस्ट हुई है, और इसका ये नीचे यहाँ पे थर्ड सितंबर लिखा है, और उसका कैप्शन भी है, विशिंग यू ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी। और ये पिक्चर में उसने हिजाब पहना हुआ है, और ये क्योंकि उनका ऑलरेडी सीन शूट हो रहा था, जिसमें ये देखिए, ये वो एपिसोड का है जो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है, एपिसोड 21, 14 सितंबर, यहाँ क्लियरली लिखी है। और क्योंकि बैंक होता है और हम लोग टेलीकास्ट शूट पहले करते हैं, बाद में टेलीकास्ट आता है, तो ये टेलीकास्ट डेट इधर है और ये एपिसोड का है। सो इसको जो उनके मामा बोल रहे हैं, पवन शर्मा जी, कि उनको हिजाब पहना दिया गया था, दिस इज़ द प्रूफ। ये हिजाब चैनल की तरफ से पहनाया गया है, हमारी तरफ से नहीं। सवाल पूछें मैडम? हाँ जी, नहीं, लेट मी स्पीक। जहाँ तक अब बात है
वनीता शर्मा के रिलेशनशिप की फैमिली के साथ जो उन्होंने कहा कि इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। मैं आपको बताऊं, शीजान की बर्थडे पे वनीता शर्मा इनवाइटेड थी, हमारे पास प्रूफ है, फोटोज। 9 सितंबर मैंने लोखंडवाला में पार्टी रखी थी और वो शीजान को साथ में लेके आई हैं अपनी गाड़ी में बैठा के। दूसरा, वो दिवाली पे आई थी, खुद सामने से आई थी हमारे घर में। उसके अलावा अभी टुनिशा का 4 तारीख को बर्थडे है, मैं उसका बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रही थी 3 तारीख की रात को। 23 तारीख दिसंबर को रात को उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि फलक, क्या प्लान है बर्थडे का, तुम क्या प्लान कर रही हो? और मैंने उनको क्लियरली बताया था, आंटी मैं बर्थडे प्लान कर रही हूँ, आप 4 तारीख को उसकी पार्टी रख रही, क्योंकि उनको एक ग्रैंड लेविश पार्टी रखनी थी विद मीडिया। तो उन्होंने कहा था कि मैं 4 तारीख को कहीं बाहर पार्टी रख रही हूँ और तुम लोग उसका, फिर मैंने उनको ये कहा था कि आंटी ठीक है, मैं उसका ब्रिंग इन मनाना चाहती हूँ, क्योंकि टुनिशा मीडिया नहीं चाहती थी, टुनिशा को ये सब नहीं पसंद होता था, उसको फैमिली पसंद होती थी। तो उसको मैं वो फैमिली देना चाह रही थी, वो फैमिली टाइम देना चाह रही थी 3 तारीख की रात को। और ये बात टुनिशा भी जानती थी कि आप ही कुछ सरप्राइज प्लान कर रही है। तो बात यहाँ पे इस चीज़ पे ख़त्म होती है कि उनका फैमिली में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो गलत है, फैमिली में बराबर इन्वॉल्वमेंट था। जिस दिन ये शूट फर्स्ट एपिसोड इनका लॉन्च हुआ था, लॉन्च पार्टी वाले दिन वो हमारे घर में थी, हम लोगों ने सेट पे उनका टेलीकास्ट देखा, उसके बाद सारे लोग सीधा एक्टर्स को मिला के, टुनिशा की मदर को मिला के, टुनिशा को मिला के, हम सब घर पे, हमारे घर पे बैठे हुए थे। सुबह चार बजे तक हमारे साथ थे वो लोग। तो और कैसा इन्वॉल्वमेंट आपको चाहिए? हमें उन्होंने अपने घर पे बुलाया, हम उनके घर पे गए, तो और कैसा इन्वॉल्वमेंट होता है? उन्होंने कुत्ते की बात की है कि उनको कुत्ते से डर लगता है, उनको कुत्ता पसंद नहीं था और हमने जबरदस्ती कुत्ता दिलवाया। तो मैं ये यहाँ पे अभी क्लियर कर देती हूँ, ये वनीता शर्मा जी हैं, यहाँ पे नीचे संजीव कौशल का कुत्ता है जिसकी 20 दिन पहले डेथ हुई है, और ये जर्मन शेफर्ड है, ये चंडीगढ़ का कुत्ता है। ये फोटो संजीव कौशल के घर का है जो मुझे टुनिशा ने भेजा था, क्योंकि वो उसकी विश थी, बकेट लिस्ट की पहली विश थी टुनिशा की कि उसको एक पेट चाहिए, बिकॉज वो मेंटली बहुत सफर कर रही है और उसको प्यार चाहिए किसी से।